कुरुक्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में जरूर जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस ने झूठ बोलकर दुष्प्रचार कर लोगों के बीच भ्रम फैलाया कि मोदी तीसरी बार पीएम बने तो संविधान बदलने के साथ साथ आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा, अब इसका पर्दाफाश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा से ज्यादा वोट लिया, लेकिन समीकरणों में सीटों में कुछ कमी जरूर हुई है। अब कार्यकर्ता मजबूती से काम करेंगे ताकि विधानसभा चुनाव में कोई कमी पेश ना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यों के बल पर लोगों के बीच जाकर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि दिल्ली को पूरा पानी दिया जा रहा है, आरोप लगाने वाले अपने गिरेबान में झांके, उन्होंने सिस्टम नहीं बनाया और पानी वितरण बारे में नहीं सोचा, झूठ बोलकर गुमराह करने का क्या फायदा, क्योंकि हम दिल्ली को पहले से सवाया पानी दे रहे हैं। खासतौर पर विधानसभा का चुनाव है 2-3 महीने बाद, क्या कुछ गुरु मंत्र दिया? नहीं देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार चुनावी मोड में रहता है। अभी लोकसभा के चुनाव आए हैं, लोकसभा के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से ज्यादा वोट लिया है। कई बार समीकरण बन जाते हैं, समीकरणों के अंदर हमारी सीटें कम हो गई है पिछले 2019 के चुनाव की बाबत, परंतु हमारा कार्यकर्ता मजबूती से और कांग्रेस के उस झूठ को जो लगातार वो फैलाने का काम कर रहा है और झूठ बोल करके लोगों के बीच में वो गुमराह की स्थिति पैदा करता है कि इस प्रकार का भ्रम फैलाया गया कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान आरक्षण को खत्म कर देंगे, इस प्रकार का झूठ बोल करके उन्होंने वोट लेने का काम किया। परंतु जो मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं, हम उन कामों के बल के ऊपर लोगों के बीच में जाकर के उस झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेंगे और विधानसभा के चुनाव के अंदर बहुत बड़े मैंडेट से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी काम कर रहे हैं, जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वो आ जाएगा। दिल्ली सरकार कह रही है कि अभी पानी को लेकर काफी हाहाकार मची हुई है, पानी नहीं दे रहा हरियाणा। हम उनको पूरा पानी दे रहे हैं, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अपने गिरेबान में जाके जो उन्होंने वायदे जनता के साथ किए थे उसकी तरफ तो उनका ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार के ऊपर ज्यादा उनकी नजरें टिकी हुई है, भ्रष्टाचार से नजरें कम करके लोगों के विकास की सुविधाओं की तरफ उन्होंने नजर फेरनी चाहिए दिल्ली के अंदर। और जो डिस्ट्रीब्यूशन पानी का है, उन्होंने सोचना चाहिए था कि हम 10 वर्षों से दिल्ली के अंदर वहां पर काम कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक चला जाए, उसकी तरफ तो काम नहीं किया। झूठा आरोप लगा करके कि पानी कम दे रहे हैं, अरे पानी तो जितना हम पहले दे रहे थे उससे सोया पानी देने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के लोग हमारे सम्मानीय वो लोग हैं और उनको कोई दिक्कत आती है, हमें दिक्कत आती है, परंतु जिस प्रकार से वहां की सरकार ने झूठ बोल करके लोगों को सुविधा नहीं दी, सिस्टम को खड़ा नहीं किया, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रहे हैं, मैं वहां के लोगों को कहूंगा कि ऐसे लोगों के इस चेहरे से नकाब उतारने का काम करें। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।